दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ के मैथ्स चैप्टर की। इसके जो बेसिक्स हैं उस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जो भी आपको क्वेश्चंस होंगे वो हम बीच में भी कराएंगे और इसकी फिर एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं क्लास ट्वेल्थ के मैथ्स चैप्टर पे, इसके बेसिक्स को समझने। व्हाट इज अ मैट्रिक्स? एक मैट्रिक्स क्या होती है? तो सबसे पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है कि मैट्रिक्स किसको कहेंगे। तो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स ऑफ द फंक्शंस। आपके पास में एक बॉक्स होगा जिस बॉक्स में कुछ नंबर्स लिखे होंगे। नंबर्स इस तरीके का बॉक्स होगा जिसमें हम जैसे 1, 2, 3, 2, 5, 4 अपने मन से कुछ भी नंबर्स हम मान सकते हैं। 3, 2, 1 ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर एरे है। इसमें क्या है? कुछ नंबर्स हैं। उस नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? फंक्शंस बोलेंगे। तो इट इज द डेफिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं? तो जनरल सा क्वेश्चन आता है कि मैट्रिक्स को आप कहाँ कहाँ यूज करेंगे। तो मैट्रिक्स का यूज हम जनरल साइंस में करेंगे, जेनेटिक्स में करेंगे, साइकोलॉजी में करेंगे, मैनेजमेंट वगैरह में इनका यूज होता रहता है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको समझना है वो है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। फॉर सपोज आपके पास में एक मैट्रिक्स दिया है 1, 2, 2, 3। ये हमारे पास में मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में हमको क्या पूछना है? ऑर्डर पूछना है। तो आप हमेशा इसको m(n) से याद रखेंगे, m(n) से याद रखेंगे, यानी रो टू कॉलम से इसको याद रखेंगे। सबसे पहले हम रो लिखते हैं, फिर हम कॉलम लिखते हैं। तो इसके इस पर हम आगे भी चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके लिए पहला है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 2 है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? अगर आपके पास में एक मैट्रिक्स है जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? 8, उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले आपको इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आप 8 लिख लीजिए और हमको इसमें 2 से डिवाइड लगाइए, तो ये 4, ये 2, तो 2 एंड 2 एंड दिस इज 1। तो आपके पास में ये वैल्यूज आ गई। अब सबसे पहले एक ऑर्डर हो सकता है जो हमारी मैट्रिक्स होगी 1, 8 की, इसका उल्टा कर दीजिए, एक मैट्रिक्स होगी हमारे पास में 8 एंड 1 की। अगला क्या हो सकता है? तो हमारे पास में ये 2 है और 2 into 2, 4। तो हमारे पास में मैट्रिक्स हो सकती है 2 into 4 की और इसका उल्टा कर दीजिए तो 4 into 2। यानी हमारे पास में ये पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं एक मैट्रिक्स के जिसका जो टोटल एलिमेंट है वो 8 है। आपकी एक्सरसाइज का ही यानी एग्जाम्पल नंबर 3 है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कंस्ट्रक्ट 3x2 मैट्रिक्स। तो आपके पास में दे दिया कि 3x2 की मैट्रिक्स को हमको बनाना है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई i.j की वैल्यू दे रखी है आपको 1/2 i-3j इन द मॉड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स का बॉक्स बना लीजिए। तो ये हमने बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब बॉक्स में क्या है, हमको एलिमेंट्स रखना है। तो हम एलिमेंट देखते हैं किस तरीके से हम एलिमेंट्स को रखेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि 1/2 i आपके पास में वैल्यूज हैं 1/2 मॉड में i-3j। इससे ही पहले हमको क्या समझना है कि हमको जो एलिमेंट्स हैं उनको हम किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका एलिमेंट होगा a11। तो सबसे पहले आप ये देखो 3x2 की मैट्रिक्स आपको ड्रॉ करनी है, यानी कि रो इसमें 3 हो और कॉलम इसमें 2 होने चाहिए। तो रो कितनी हो? 3 हो और कॉलम कितने हो? 2 हो। तो रो कौन सी होती है और कॉलम कौन से होते हैं? तो देखो कॉलम होते हैं ये वाले, इनको हम कॉलम बोलेंगे, एक कॉलम, दो कॉलम और ये तीसरा कॉलम, ठीक है। और मान लीजिए रो कह रहा है वो 3, तो रो इसमें 3 होनी चाहिए। तो 1 रो 2 रो और 3 रो। तो हम देख लेते हैं इसका फिगर कैसे आएगा। सबसे पहले हम एक ब्लैंक मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो ये आपके पास में एक ब्लैंक मैट्रिक्स है, आपके लिए रो 3 होने हैं और कॉलम 2 होने हैं। तो रो 3 का मतलब हुआ a11 a12 a21 a22, ठीक है, और a31 a32। तो बच्चों ये हमारी मैट्रिक्स होगी। इसमें देखिए रो 3 है, 1 रो 2 रो
तीन, और कॉलम कितने हैं? दो हैं, एक कॉलम और दो कॉलम, ठीक है। अब देखिए हमको क्या है, इनके एलिमेंट्स की पोजीशन पता है, तो इसको हम आई बोलते हैं और सेकंड वाले को हम जे बोलते हैं। जैसे इसमें आई क्या है, आई भी वन है और जे भी हमारा वन है। यहाँ पे क्या है, आई आई वन है और जे टू है। यहाँ पे आई क्या है, टू है, जे वन है। यहाँ पे दोनों टू टू है, यहाँ पे थ्री वन है और यहाँ पे थ्री टू है। तो जहां जहां आई है वहां वहां हमको क्या रखना है, इनकी वैल्यूज लगा देनी है। तो सबसे पहले हम वन अपॉन टू, पहला एलिमेंट लिखने के लिए हमें आई भी वन लिखना है और जे भी हमको वन लिखना है। वन माइनस थ्री इंटू वन, तो पहला एलिमेंट आपका आ जाएगा वन अपॉन टू, तो ये आएगा आपका माइनस टू, ठीक है बच्चों। तो ये मॉड है तो मॉड इसको प्लस कर देगा, तो मेरा आंसर आ गया वन। इसका मतलब हमारा जो पहला एलिमेंट है वो आ गया वन। तो आप यहाँ पे इसको वन लिख दीजिए, तो वन लिख दिया। अब हमको क्या निकालना है, ए वन टू निकालना है। तो ए वन टू के लिए हमको क्या करना है, जहां जहां पहले लिख लीजिए वन अपॉन टू, आई की वैल्यू कितनी है, वन ही है, और जे की वैल्यू कितनी है, टू है, तो हम टू लिख देंगे। तो वन अपॉन टू, वन माइनस सिक्स, तो बच्चों क्या आएगा ये, फाइव अपॉन टू। तो हमारा दूसरा एलिमेंट हो गया फाइव अपॉन। अब हमें थर्ड एलिमेंट निकालना है जो है हमारा टू वन। इसका मतलब क्या है कि हमारा आई टू है और जे वन है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप टू माइनस थ्री इंटू वन, ठीक है। तो आपका क्या बचेगा, वन बचेगा, और वन अपॉन टू, तो इसका एलिमेंट आ जाएगा आपका वन अपॉन टू। अब हमको निकालना है ए टू टू, तो ए टू टू कैसे निकालेंगे, हमको वही वैल्यूज लगानी है, वही रिपीटेड करना है। तो आई की जगह पे हमने टू लगाया, तो टू माइनस थ्री इंटू टू एंड मॉड, तो आपका आंसर आएगा वन अपॉन टू, ये आपका सिक्स बचेगा, और टू प्लस का तो आपका बचेगा फोर, तो फोर एंड देन इट विल बी बिकम टू, ठीक है। टू का डिवाइड लगा दो, तो ये एलिमेंट आपका टू आ जाएगा। फिर हमको थ्री वन देखना है, तो फिर वही काम करना है, वन अपॉन टू। तो सबसे पहले हमें थ्री लगाना है, आई माइनस थ्री इंटू वन, तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा जीरो, तो यहाँ पे हमको जीरो लिख देना है, थ्री टू। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, काफी आसान क्वेश्चन हैं, और थ्री ए के वैल्यू है इंटू थ्री इंटू टू, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये क्या आ जाएगा आपका, वन अपॉइंट टू थ्री माइनस सिक्स मॉड में, ठीक है, तो ये आएगा थ्री अपॉइंट टू, तो इसका आंसर आ गया यहाँ पे थ्री अपॉइंट टू। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर जो आपको करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है, मैंने जैसे कि आपको बताया था ये बेसिक्स का चैप्टर रहेगा पहला आपका। तो मैट्रिक्स में हमको सबसे पहले देखना है कॉलम मैट्रिक्स, इसको कहते हैं। तो काफी सिंपल सी बात है, ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। जिस मैट्रिक्स में केवल वन कॉलम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। तो आप कॉपी पेन निकाल करके इनको नोट करते रहिए, जब तक आप इनको नोट करेंगे इससे आपको बहुत फायदा रहने वाला है। मैं पूरा सिलेबस आपको कराने वाला हूं इसी पे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक आता है, मैं आपको बेसिक से लेकर के जो अंदर तक के काफी हमारे जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, बट हम उस पर पहले जो हल्की चीजें हैं जो इजी हैं पहले उनको करेंगे, फिर हम उनको उनसे बाद में बड़े क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। तो आप चैनल से जुड़ जाइए, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पूरा सिलेबस पर डे में कराने वाला हूँ। रो मैट्रिक्स, अब देखो हमने भी कॉलम मैट्रिक्स देख ली थी, उसमें क्या था, जिसमें एक कॉलम हो। अब यहाँ पे क्या है, रो मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। जिसमें वन रो हो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, वो रो मैट्रिक्स कहलाएगी। इजी है, आप इनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, देखो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है मेरे लिए, टू टू वन टू, ये भी मेरे लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी। और अगर मान लो ये है वन, तो ये भी मेरे लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहने वाली है, ठीक है। तो हमको बस इतने तक ही स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ना है, यानी थ्री बाई थ्री तक का ही आपके में स्क्वायर मैट्रिक्स है सिलेबस में, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या हो, बराबर हो। अब आता है डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स में क्या है कि देखो इसमें क्या है, जो डायगनल के हमारे एलिमेंट्स हैं, ये हमारी डायगनल है, और डायगनल के एलिमेंट्स क्या हैं हमारे, वन है, एट है, फोर है, या कुछ भी हो सकता है एलिमेंट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो एलिमेंट्स होंगे ना वो सब क्या होंगे, इसमें जीरो होने वाले हैं।
तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है? डायगनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब आता है स्केलर मैट्रिक्स। अभी हमने जो पीछे वाली मैट्रिक्स देखी थी वो थी डायगनल मैट्रिक्स, उसमें क्या था, डायगनल के एलिमेंट सारे मतलब जो भी थे उसके अलावा, डायगनल के अलावा जो एलिमेंट्स थे वो हमारे जीरो थे। बट यहां पे क्या है, हमारे यहां पे भी जो डायगनल के एलिमेंट्स हैं वो हैं कुछ ना कुछ, इसके अलावा जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है, जीरो हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन यहां पे जो डायगनल के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सेम है। जैसे मैं पीछे की स्लाइड में दिखाता हूं, तो यहां पे एलिमेंट क्या थे, यहां पे एलिमेंट कुछ और थे, ठीक है, 1 है 8 है 4 है जो भी है, ठीक है। इसके अलावा यहां पे क्या है, एलिमेंट्स तो हैं बट वो क्या है, सारे सेम हैं। जैसे यहां दूसरे मैं देखिए b इक्वल्स टू में 5 5 5, तो मैंने क्या सीखा, मैंने ये सीखा कि जो स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स तो होगी, इसके साथ में उसके एलिमेंट्स भी सेम रहने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चढ़ते हैं, तो ये है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो बच्चे अभी 12th में आए हैं उनको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है यहां से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, और इसके बारे में काफी क्वेश्चंस आगे दे रखे हैं, तो ये बेसिक्स है, इसको ध्यान रखेंगे। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप होगा जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, ओनली 1 1 होंगे, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 1 होते हैं। तो यहां पे देखिए ये 3 बाई 3 का मैट्रिक्स दे रखा है और इसके एलिमेंट्स भी क्या है, 1 1 है, ठीक है। तो आगे की स्लाइड पे बढ़ते हैं। जीरो मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, तो सिंपल सी बात है उसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलने वाले हैं। तो ये जीरो मैट्रिक्स का टाइप है जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जीरो मैट्रिक्स भी किसी भी तरीके की हो सकती है, यानी किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। 0 0 0 0 ये 2 बाई 2 की ऑर्डर की कहलाएगी, ये 3 बाई 3 ऑर्डर की कहलाएगी, ठीक है बच्चों। तो आज की स्लाइडों में जो बेसिक्स था वो मैंने आपको कंप्लीट कराया है। अगला जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम इसी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चंस होंगे मैट्रिक्स की 3.1 एक्सरसाइज से। तो इस चैनल के साथ में आप बने रहिए, मैं आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस कराता रहूंगा।